अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल आफरीन्स क्रिएशंस। व्यूअर्स, आज जो मैं आप लोगों को नेक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ उसकी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये एप्लिक वर्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक का डिज़ाइनिंग देखने में तो थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। इसकी मैं आप लोगों को पहले बॉर्डर बता चुकी हूँ, उसी पैटर्न में बिल्कुल इसकी हैमिंग और फोल्डिंग वगैरह होगी। बस मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करना बता देती हूँ इस वीडियो में। मैं जो अपनी वीडियोस में ग्लू यूज़ करती हूँ व्यूअर्स, उस ग्लू को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ज़रूरी नहीं है आप लोग ग्लू ही से स्टिक करें। ग्लू का सिर्फ मकसद ये है कि हम उसके ऊपर उसको सेट कर लें एप्लिक के फैब्रिक को। आप उसे कच्चा करके भी सेट कर सकते हैं, बल्कि कच्चा करने से ज़्यादा सफाई आती है। मुझे तो जल्दी जल्दी ऑर्डर कम्प्लीट करना होता है, इसलिए जो है मैं ग्लू यूज़ करती हूँ। तो आप उसे कच्चा भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को अगर मेरा काम और मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में भी बताया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बॉर्डर बनाना बताया था दामन पे, उसकी मैं नेकलाइन बताने जा रही हूँ। नेकलाइन बनाने के लिए वही सिमिलर वाइट कलर का एप्लिक का फैब्रिक है और बेस जो है वो मेन फैब्रिक जो है वो ग्रे कलर का लॉन का है। ठीक है, ये जो एप्लिक के लिए फैब्रिक है इसकी जो लेंथ है वो 16 इंचेस है। यहाँ से मैंने यहाँ तक 16 इंचेस ली है और उसकी जो वेड्थ है वो 8 इंचेस है, क्योंकि बॉर्डर हमने जो बनाया था वो 4 इंचेस का था, तो ये डबल इसमें हम दो एक साथ बनाएंगे। इसको मैंने 8 इंचेस की इसकी वेड्थ ली है। ये यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 8 इंचेस है। ठीक है, अब ये हमारे पास नेकलाइन का पीस आ गया इस तरह कट के करके। अब हम इसे इस तरह सेंटर में हाफ से फोल्ड कर लेंगे और कुर्ता पट्टी स्टाइल में नेकलाइन बनाएंगे। इस तरह हमने फोल्ड कर लिया है, इसमें मार्किंग कर लेते हैं। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बॉर्डर में फ्लावर बनाना बताए थे थोड़ी थोड़ी दूर में, इस तरह हम इसकी इसमें फ्लावर की कटिंग करेंगे इस तरह सेंटर से फोल्ड करके। लेकिन इसमें हमने सिंगल पट्टी ली थी, इसमें हम डबल को एक साथ फोल्ड करते जाएंगे और फ्लावर कट करते जाएंगे। ये देखें, ये डबल हो गया। इस तरह पहले हम फ्लावर कट कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर नेक लाइन कट करना बताऊँगी। इसमें एक कॉर्नर से हम कट करना स्टार्ट करेंगे इस वाली साइड से। तो अब इस वाली साइड से हम इसको, ये देखें पहले ही डबल है। ठीक है, इसके बाद हम इसको इस तरह एक और दफ़ा सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और खूब अच्छे से निशान लगाकर इस तरह मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जिस साइड से हमने फोल्ड किया है उस साइड पर हमने नीचे की तरफ से, सिर्फ नीचे की तरफ का बता रही हूँ कि नीचे की तरफ से हमने 2 इंचेस पर मार्क करना है, क्योंकि नीचे के साइड पर थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड भी होगा इस तरह। तो हमने नीचे के साइड पर 2 इंचेस के उस पर मार्क करना है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को फ्लावर की फोल्डिंग और कटिंग बताई थी बॉर्डर में, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दिया है, वहां जाकर आप लोग इसकी फोल्डिंग और कटिंग देख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर उसी पैटर्न पर हमने यहाँ पर फ्लावर की कटिंग करनी है। सिर्फ मैंने आप लोगों को अभी इसमें डिफरेंट ये बताया कि यहाँ से हमने 2 इंचेस की मेजरमेंट करके और यहाँ पर मार्क करना है। ये फ्लावर की कटिंग हो गई है, यहाँ से 2 इंचेस पर डिस्टेंस पे मार्क करके हमने यहाँ कटिंग कर ली है। उसके बाद अगेन अब हम इस पट्टी के आगे एक और इसी तरह का फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए अब हमने यहाँ से देखें, यहाँ पर जो इसकी कटिंग हुई हुई है फ्लावर की ये वाली, इस पॉइंट से हम मेजरमेंट करेंगे और 2.5 इंचेस के डिस्टेंस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर ये 2.5 इंचेस का डिस्टेंस ले लिया है, यहाँ पर मार्क कर लिया। ठीक है, इस फ्लावर से आगे फिर अगेन इसी तरह जैसे ये वाला फ्लावर की कटिंग की थी, अगेन इसी तरह यहाँ पर भी हम फ्लावर की कटिंग करेंगे।
व्यूअर्स, ये फ्लावर की कटिंग हो गई टोटल। इस जितना भी मैंने आप लोगों को लेंथ बताई थी, इसमें टोटल 4 फ्लावर्स आए हैं। ये देखें इस तरफ और इस तरफ इतना इतना हाफ इंच का फैब्रिक बचा है, जिसे हम सिलाई के अंदर फोल्ड करने में यूज़ कर देंगे। इसके अंदर साइड पर कोई बॉर्डर नहीं बनेगा, बल्कि हम अलग से एक बॉर्डर लगाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा सिलाई के अंदर भी जाएगा, फोल्डिंग में जाएगा, वो उसके लिए बच गया। अब हमने क्या करना है, फ्लावर्स के साथ यहाँ पर देखें छोटा सा स्पेस बच रहा है, जिसे हम सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे। ये दोनों दो कॉर्नर्स आ रहे हैं, दोनों को इस तरह मिलाएंगे तो इसका सेंटर आ जाएगा। इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और हल्का सा जो है यहाँ पर छोटा सा कट मार्क कर देंगे, यूँ ऊपर से लेकर नीचे तक वी शेप में इस तरह, तो ये वाली स्पेस भी फिल हो जाएगी जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो इसी तरह जहाँ जहाँ पर भी स्पेस बच रहा है वहाँ पर हम इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और कट मार्क लगाते जाएंगे, तो ये वाली जो स्पेस है इसमें भी डिज़ाइन बन जाएगा। ये पूरा पैटर्न कटिंग करने के बाद अब हम इसके ओपन करते हैं, जितने भी लेग लाइन की हमारी वेट है उसे हम खोलते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक साइड पर, नीचे की साइड पर दो दो फ्लावर्स बने हुए होंगे, जैसे हमने बॉर्डर कट किया था। तो ये इस तरह एक फ्लावर था, अभी यहाँ पर हमारे पास दो फ्लावर्स हैं। ये नेक लाइन में इस तरह लगेगा, और हम मैंने यहाँ पर कुर्ता पट्टी स्टाइल बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर बीच में कुर्ता पट्टी स्टाइल के लिए एक कट मार्क लगाऊंगी। ये इस पट्टी पर हम तकरीबन यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक 12 इंचेस का निशान लगा के मार्किंग करके, बल्कि ये नापने की जो लास्ट फ्लावर है इसके बाद ऊपर ये जो डिज़ाइन हमने साइड पर कटिंग किया था उसके सेंटर में यहाँ पर मार्किंग करनी है। यानी इसके बाद, इस मार्किंग के बाद हमारे पास सिर्फ एक एक फ्लावर बचता है, ठीक है। वहाँ तक हमने मार्किंग करके और इसे यहाँ से सेंटर से इस तरह कट कर देना है। इस पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट पर हल्का सा हमने यूं कट करना है इस तरह, ये देखिए आड़ा। तो इसको क्या करेंगे, जब हम ओपन करेंगे तो इस ये जो कॉर्नर्स वाला निकल रहा है इसे हम अंदर की साइड पर इस तरह मोड़ देंगे, इस तरह फोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। और ये जो इस तरफ निकल रहा है इसको ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह फोल्डिंग कर देंगे, यूं करके दोनों तरफ से इस तरह, ठीक है। तो ये कुर्ता पट्टी स्टाइल बन जाएगा। ये इस तरह फोल्डिंग कर लेनी है पीछे की साइड पर, बैक साइड पर, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को कटिंग बताई है। हम इसे फ्रंट साइड से देखते हैं, ये देखें इस तरह ये कुर्ता पट्टी स्टाइल बन जाएगा। बाकी ये फ्लावर्स की फोल्डिंग और इसकी हेमिंग मैं आप लोगों को बॉर्डर में भी और इससे पहले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसी वीडियो को जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है मैंने, तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूँगी। ये हमारा नेकलाइन जो है जब रेडी हो जाएगा तो फाइनल लुक में आपको इसकी दिखा दूँगी।